नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मेट्रो के केबल तारों की चोरी करने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दिल्ली मेट्रो की जॉइंट पुलिस टीम ने कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और इसी मुद्दे पर दिल्ली मेट्रो के DCP जितेंद्र मणि त्रिपाठी से न्यूज़ ऑन इंडिया ने खास बातचीत की है। सर, DCP दिल्ली मेट्रो जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी हैं। सर, कुछ केबल चोरी के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ प्रकरण था सर? इसमें हमने यमुना डिपो के एरिया में, यमुना डिपो हमारा थाना है, वहाँ पकड़ा था कुछ लोगों को। तो करीब 7 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए थे और करीब 60-70 मीटर तार वहाँ से बरामद हुई थी। तो ये प्रकरण ऐसा था कि ये लोग रस्सी, ये कुछ जैसे मेट्रो के बीच में गैप होता है कहीं कहीं, उससे घुस के अंदर चले जाते हैं और ऊपर चढ़ करके फिर अपने साथियों को बुला लेते हैं, फिर आरा लेते हैं, छोटी छोटी आरी होती है लकड़ी से बांध के, और फिर वो इलेक्ट्रिक वाली तार को काट देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक रहते हुए, और काट के फिर वहाँ से नीचे डाल देते हैं और फिर अपनी गाड़ी से उठा ले जाते हैं। तो करीब 7 लोगों को हमने पकड़ा था और करीब 13-14 केस वर्कआउट हुए थे हमारे। तो एक ये हमने बड़ा अच्छा एक काम किया है मेट्रो यूनिट की तरफ से, और इसमें स्पेशल स्टाफ ने और इंस्पेक्टर अजय और उनकी टीम ने और वहाँ थाना YDM के बोरभान है, इन दोनों की टीम ने मिलकर काम किया था और 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। सर, कितने लाख रुपए के केबल था? बताया जा रहा है कि लाखों का केबल, ये 6-7 लाख का, जैसे 30-35-30 हज़ार तक मीटर बिक जाता है तार, जो है बड़ा महंगा होता है, मोटा होता है केबल वायर जो है, तो उस हिसाब से 50 मीटर का आप जोड़ सकते हैं, इस तरह से 30 हज़ार तक बिक जाता है तार ये। सर, कैसे आप लोगों ने इनकी पहचान की कि यही लोग हैं, वहाँ तक कैसे आप लोग पहुँचे? दरअसल मैं बताऊँगा आपसे, ये पकड़े गए रंगे हाथ लेके जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो उनका आरी सारा उनका इक्विपमेंट के साथ मिल गया। एक गाड़ी मिल गई जिसमें रखा हुआ था, आरियाँ रखी हुई थी, लकड़ी रखी हुई थी, रस्सी रखी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें मिल गई। फिर इनको पकड़ा, फिर इनसे रेड करके जहाँ पे सामान, कई बार काट जैसे काट के तार से सामान गिरा देते थे और कहीं झाड़ी में छुपा देते थे, फिर एक गाड़ी लेके आते हैं, बाद में पिक करके ले जाते हैं। तो इस तरह का भी इनका मोड ऑपरेटिव रहता था, तो उसमें कुछ हमने तार रिकवर किया। फिर 2 कबाड़ी पकड़े हमने जिनको बेचते थे, ये उनसे भी तार हमने कुछ बरामद की, इस तरह से काम किया। क्या कुछ और कड़ियाँ जुड़ रही हैं इन लोगों से आगे भी, या इतने ही लोग थे यहाँ इसमें? नहीं, ये 1-2 लोग और इसमें हैं जो नहीं पकड़े गए हैं, 1 कबाड़ी और था और एक साथी और इनका है जो अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो उसके लिए अभी हमारी टीम कर रही है काम। सर, लापता लोगों को खोजने के लिए भी आपकी टीम काम कर रही है, कितनी लोगों को अभी तक ढूंढा जा चुका है आपकी टीम के द्वारा? करीब देखिए, हमने 15 दिसंबर से ये ड्राइव शुरू की है और आपको बताना चाहूँगा करीब 75-80 दिन में हमने 75-76 बच्चों को खोज निकाला है, और ये सारे बच्चे लगभग मेट्रो के बाहर के हैं और जिलों के हैं, मतलब मेट्रो से संबंधित इसमें बच्चे नहीं हैं। तो हमने एक ड्राइव चलाई कि जहाँ भी बच्चे मिसिंग हैं, जैसे जिस एरिया में है, तो वहाँ की FIR या उनकी डिटेल लेकर के हमारे थाने का स्टाफ काम करता है, और स्पेशली मैं बता रहा हूँ INA थाना है, वहाँ पे एक सीमा हेड कांस्टेबल है और एक जनकपुरी में है मुकेशी, इन दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है। सीमा ने करीब 50 बच्चे रिकवर कर दिए हैं इस पीरियड में, 80 दिन के बीच में, और मुकेशी ने करीब 16 बच्चे रिकवर कर दिए हैं, और बकाया कुछ और थानों ने काम किया है, तो 76 बच्चे करीब होने रिकवर कर लिए, 75-76 बच्चे। सर, लापता बच्चों को ढूंढा जाता है या ये किसी कोई गैंग है जो इनको गिरफ्त में अपने ले लेता है? नॉर्मली ये मिल जाते हैं, कई बार तो होता है जैसे किसी होम पड़े हुए हैं, कहीं और वो चले गए हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं, या कहीं बगल में रख लिया गया है, तो कई बार IOs वर्कलोड की वजह से काम नहीं कर पाते उस पर, मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि हमारी जब टीम काम कर रही है तो उनको बच्चे मिल रहे हैं, तो मे बी की टीम या जो IO है उसकी इसका और वर्कलोड होने की वजह से हो सकता है उसमें ना जा पाता हो, तो हमारी टीम उसमें मेहनत कर रही है, कंप्लेंट से बात करती है, फिर कहाँ गया, फिर CDR वगैरह उनका अगर कुछ मोबाइल का होता तो वो उस पर काम किया जाता है, तो इस तरह से हम लोग मेहनत करके उनको खोजते हैं। सर, लापता केसों में अकसर देखा जाता है कि एक पोस्टर चिपका दिया गया, पुलिस में FIR करा दी गई और वो चीज़ें दब जाती हैं या वो लोग नहीं ढूंढे जाते, कैसे आप अपने टीम को प्रेरित करते हैं कि इस चीज़ में वो जल्दी से जल्दी पहल करें और लोगों को ढूंढ पाएं? अब जैसे आप कह रहे हैं कि अभी देखिए हमारी टीम, मैं बताऊँगा आपसे कि बिहार में गई एक बच्चे को रिकवर करके वहाँ से आ रही है, और अभी गोरखपुर गई हुई है, गोरखपुर से भी अभी सीमा की बता रहा हूँ, सीमा ने 2 बच्चों को रिकवर करने के लिए बिहार और गोरखपुर तक का रुख किया है, तो ये मतलब हमारी टीम का इंथ्यूजम है और ये जोश है कि वहाँ तक जाकर के बच्चों को रिकवर करने के लिए तैयार हैं और हम डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। एक होता कि ठीक, हमने बच्चा रिकवर हुआ, हमने FIR कर दी, हमने अखबार में छपवा दिया, हमने पोस्टर बना दिया, हमने उसका रिवार्ड करा दिया, बट उसको रिपीटेड कई बार उसको ट्राई करना पड़ता है, तो कई बार वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं लोगों से, हम उस पर काम कर रहे हैं लगातार, तो हमने हर थाने में भी छोटी छोटी टीम बना रहे हैं हम, और हर साल थाने को हमने टारगेट दिया है कि थोड़ा इस पर काम करें, आसपास के इलाके में जहाँ बच्चे मिसिंग हैं उनको लेकर डिटेल उन पर काम करें, और मुझे उम्मीद है कि और बच्चे हम रिकवर कर पाएंगे। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा सर? जी बिल्कुल, मुझे
ये उम्मीद है कि दोनों ये जो लेडीज हैं, जैसा कि एक रिवार्ड का भी मोटिवेशन है, अपना काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं इंसेंटिव भी होता है। अभी वर्दी सीपी साहब ने, हमारे जो कमिश्नर साहब ने, उन्होंने 50 बच्चों के रिकवर करने पे इस तरह का रिवार्ड किया गया, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन हो जाएगा। एक लड़की का प्रमोशन हुआ भी है जो सीमा ढाका है, तो लड़कियाँ मोटिवेटेड हैं, काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, तो यही थे हमारे साथ जतन मणि त्रिपाठी जी, जिनका कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। न्यूज ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर में नए ऑडिटोरियम मंथन को उद्घाटन करने के दौरान कहा कि DTU में फैमिली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पाठ्यक्रम से न सिर्फ दिल्ली के व्यापारी घरानों को लाभ होगा बल्कि देश भर के व्यापारिक घरानों को जबरदस्त लाभ होगा। उनके बच्चे अब दूसरी कंपनियों में जॉब ढूंढने ना जाकर अपने ही बिजनेस को नए कलेवर में और आगे बढ़ा सकते हैं और नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मेरा सपना है कि DTU का ये कोर्स न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में अपना परचम लहराए। जिस तरह से फैमिली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका के बेबसन कॉलेज का नाम है, मैं चाहता हूं कि DTU भी उस कॉलेज से कम्पीट करे और दुनिया भर के छात्र यहां पर पढ़ने के इच्छुक हों। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलने वाले छात्र जॉब सीकर्स यानी नौकरी तलाश करने वाले बनने की बजाय नौकरी उपलब्ध करवाने वाले बने। छात्र उद्यमी बनने और लोगों को नौकरी दें, हमारे विश्वविद्यालय ने वो मकाम तो हासिल कर लिया है कि हमारे छात्र दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों में ऊंची सैलरी पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन देशहित में जरूरी है कि हमारे छात्रों के अंदर वो कौशल भी हो कि दुनिया भर के लोगों को नौकरी दें, अपनी स्टार्टअप से अपनी कंपनियों से लोगों को जॉब दे सके। मेरा सपना है कि हमारे विश्वविद्यालय ऐसे ही उद्यमियों को जन्म बन दे। दिल्ली के MCD उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की 5 में से 4 सीटों पर शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने BJP पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि दिल्ली BJP प्रदेश अध्यक्ष से आदेश गुप्ता की कुर्सी भी जाने वाली है। उन्होंने बहुत छोटी राजनीति की है जिसकी वजह से BJP का अपना वोट बैंक भी उनसे नाराज हो गया है। अमीर लोग BJP का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता था, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि वो वोट बैंक भी अब आम आदमी पार्टी के पास आ गया है। उसका उदाहरण है शालीमार बाग वार्ड। आदेश गुप्ता ने दिल्ली में कचरा फैलाने की पॉलिटिक्स की जिसकी वजह से BJP का पारंपरिक वोट BJP से खिसक कर आम आदमी पार्टी के पास आ रहा है। MCD बाय इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए उसमें आम आदमी पार्टी की 4 सीटें आई और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट जो है भाजपा को नहीं आई। और ये ज्यादा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बाय इलेक्शंस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है बाय इलेक्शन में उसको ही पब्लिक वोट देना चाहती है, और MCD के तीनों नगर निगमों के अंदर भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा के लिए एक बड़ी चोट है कि दिल्ली के लोगों ने उनको एक भी सीट जो है यहां पे नहीं दी। क्योंकि कल आदेश गुप्ता जी ने उसको एक अलग तरीके की डेफिनेशन देने की कोशिश की तो मुझे लगा कि हम लोग वोट शेयर के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताएं और आपके माध्यम से पब्लिक तक ये बात पहुंचे। त्रिलोकपुरी वार्ड 2E ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड है, इसके अंदर आम आदमी पार्टी 35% वोट शेयर से बढ़ के 49.9 लगभग 50% वोट शेयर तक पहुंची। दिल्ली के आजाद मार्केट के पास बाड़ा हिंदूराव में पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस पॉली क्लिनिक में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस खास मौके पर मौजूद महापौर जयप्रकाश का कहना है कि जब से वैक्सीन का दूसरा चरण चालू हुआ है और प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है तब से लोगों में टीका लगाने का होड़ बढ़ा है, वहीं लोग वैक्सीन लगाने को लेकर उत्साहित भी हैं। आपको बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 3 पॉली क्लिनिक में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की है। कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है और उसकी शुरुआत देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद टीका लगवा के करी है। जब से पूरे देश के अंदर टीका लगवाने का एक इस अभियान ने बहुत ही जोर पकड़ा है, लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है, और आज मेरा सौभाग्य है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर होने के नाते
उत्तरी दिल्ली नगर क्षेत्र में 3 पोलियो क्लिनिक में आज की शुरुआत की गई है, जिसमें एक ये लाला दुलीचंद गुप्ता पोलियो क्लिनिक जो मेरे अपने वार्ड में, यहाँ भी कोविड वैक्सीन टीकाकरण का केंद्र बनाया गया है, आज की हमने उद्घाटन किया है और हम लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ आसपास जितना भी क्षेत्र है उनमें बड़े बुजुर्ग और जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं वो सब इस टीकाकरण का लाभ उठाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।